पहली बात तो आपको मुबारक, गुजरात में जो भव्य जीत हुई। और शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे, ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा। और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार को ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग में आने वाले पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और ये बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित की जा रही है। और बैठक की अध्यक्षता करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के तहत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, सिक्किम और उड़ीसा राज्य शामिल है। और इस बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। और बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह शुक्रवार की शाम कोलकाता पहुंचे थे और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और राज्य के मंत्री सुजीत बोस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। भारतीय सेना को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और बीजेपी ने राहुल गांधी का चरित्र जयचंद की तरह बताया है। और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का आरोप लगाया है कि राहुल गांधी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें समझना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी ने दुश्मन देशों से समझौता किया हुआ है। जब जब भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखाएगी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल तोड़ने का कार्य करेगी। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बीते 8 साल में भारत की एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है और जिस देश के पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी हों और वीर सैनिक हों और मजबूत कूटनीतिक संबंध हो, भारत की एक इंच जमीन पर कोई कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और एक बार भारत के सैनिकों का शौर्य और भारतीयों का सीना 56 इंच का हो जाता है, लेकिन इस बात से दो लोग नाराज हो जाते हैं, एक हमारे दुश्मन और दूसरे राहुल गांधी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का चरित्र जय सिंह की तरह है। सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस मानो को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको, बिल्किस मानो को बड़ा झटका लगा है और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस मानो की पूर्ण विचार याचिका खारिज कर दी है। और इस याचिका में बिल्किस मानो ने अपने दोषियों की रिहाई का विरोध किया था और बिल्किस मानो ने अपनी याचिका में साल 2002 में उसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई हो चुनौती को दी थी। और इसी को लेकर मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी ने एक दोषी की याचिका पर आदेश दिया था कि गुजरात सरकार 1992 की रिहाई की नीति के तहत बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर विचार कर सकती है। हालांकि बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले का पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में चल रहा है और वहां की रिहाई नीति के तहत ऐसे घृणित अपराधों में 28 सालों से पहले रिहाई नहीं हो सकती है। और जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था जिस राज्य में अपराध होगा उसी राज्य में दोषी की आवेदन पर विचार किया जा सकता है। अब क्योंकि बिल्किस बानो का वाला मामला गुजरात का था, लिहाजा इस मामले में दोषियों को अपनी सजा कम करवानी थी तो गुजरात सरकार से अपील करनी थी। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद ही रिमिशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो वाले मामले में सभी दोषियों के लिए रिहाई का फैसला सुना दिया।
ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में एनडीएस स्कूल ने अपने 25 साल पूरे करने पर सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में ही उत्तराखंड के उप राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे और उन्होंने स्कूल के संस्थापक महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत जोध सिंह महाराज की उपस्थिति में स्कूल के प्रतिभावान और टॉपर रहे 7 छात्रों को अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला ऊंचाई किया है। और इसके साथ ही बता दें आपको कि स्कूल के 15 अध्यापकों और कर्मचारियों को भी 25 साल तक रेगुलर अपनी सेवा देने पर सम्मानित किया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि शिक्षा के साथ संस्कार होने पर बहुत जरूरी होते हैं और जो एनडीएस स्कूल में दिए जा रहे हैं। उन्होंने निर्मम आश्रम और इसके साथ ही उसकी इकाई एनडीएस और एनजीए के साथ निर्मम आई इंस्टीट्यूट के द्वारा जनहित में किए जा रहे सराहनीय कार्यों की जमकर प्रशंसा भी की है और मौके पर उत्तराखंड के गवर्नर को निर्मित आश्रम के महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत जोध सिंह महाराज ने अपने हाथों से सरोपा और प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। इस दौरान ही राज्यपाल के हाथों से सम्मान पाने वाले अध्यापक कर्मचारी और छात्र खुशी से गदगद होते हुए नजर आए, जिन्होंने परम पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने जीवन को रोशन किया है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जो एल्यूमनी हैं, जो छात्र छात्राओं ने यहाँ से उपलब्धियां अर्जित की हैं, हमारे साथ यहाँ पर सुश्री ऋचा सहगल जी, शार्दुल गोयल जी, वर्तिका जोशी जी, नमामि बंसल और ऐसे कई प्रतिभाशाली बच्चों को, इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्होंने स्कूल का, हमारे उत्तराखंड का और भारत का गौरव बढ़ाया। ये ताली बजानी है तो दोनों हाथों से, दिल से, आत्मा से एकदम बिना शर्म के। ये क्षण वापिस नहीं आएगा, ये आभार प्रकट करने का क्षण वापिस नहीं आएगा। ये प्रतिभाएं हमारे गौरव हैं और ये सब हमारे सच्चे हीरो हैं, आइकॉन हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सदा ये याद रखना है कि जब भी कोई कार्य करते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषिकेश से हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, स्कूल के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया है। जी हाँ, जब राज्यपाल आए तो उन्होंने स्कूल की जो एक वहाँ का जो एक परंपरा है, वहाँ की जो एक जो उन्होंने इस तरह का जो वहाँ माहौल देखा तो उससे बहुत ज्यादा खुश हुए। साथ ही जो निर्मल आश्रम है वो एक सेवा संस्थान है और वो अपने स्कूल खोल रखे उन्होंने बहुत तरह के, और एक आई हॉस्पिटल है, एक उनका अपना हॉस्पिटल है निर्मल आश्रम। तो इस तरह के जो सामाजिक कार्य करने वाले ये आश्रम है, उनके प्रति उनका जो भाव देखने को मिला वो बहुत अच्छा देगा। उन्होंने जिन छात्रों को जो वहाँ पर उनको सम्मानित किया और साथ ही जो कर्मचारी थे उनको सम्मानित किया गया, तो वो सब बहुत खुश नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हमारी मेहनत का फल था, जो टीचर थे जो हमने यहाँ 25 साल से सेवा दी उसका फल आज हमें मिला है। और साथ ही जो वहाँ राम सिंह जी है महाराज हैं, जो वहाँ के बड़े महंत हैं, उन्होंने भी इस बात पर बहुत अपनी खुशी जाहिर की कि आज राज्यपाल ने जो है उनके करे हुए काम को सराहा है, क्योंकि वो काफी टाइम से हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो वहाँ पर गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधा है। तो ऐसे में जो ये संस्था है, ये संस्था जो काम करती है उसमें गवर्नर जी जो राज्यपाल है उन्होंने काफी सहयोग किया है, उनको बहुत आश्वासन दिया है कि जो भी कभी हमारे लिए सेवा होगी तो हमें बताना। जो उनको महाराज जी ने उनको सम्मान किया, उनको सरोपा उड़ाया और उनको इस तरह के उनको सम्मान किया, तो वो क्योंकि राज्यपाल होने के नाते उन्होंने अपनी तरफ से जो हो सकता था उन्होंने आश्रम के लिए किया है और स्कूल के लिए बोला है। तो ऐसे में महाराज जी ने उनको धन्यवाद दिया और उनको आने के लिए शुक्रिया किया। ऐसे सिल्वर जुबली के कार्यक्रम में इस तरह का एक राज्यपाल का आना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जी संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
कोरोना काल के बाद पहली बार राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश में छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं और श्री देव सुमन विश्वविद्यालय ने चुनाव की तिथि 24 दिसंबर घोषित की है और इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वाले अधिकृत प्रत्याशियों के नाम साफ कर दिए हैं और अध्यक्ष पद पर ऋतिक पाठक और उपाध्यक्ष पद पर केशव पोरवाल के नाम की घोषणा विद्यार्थी परिषद ने कर दी है। बता दें आपको कि अन्य चार पदों पर अतिरिक्त प्रत्याशियों की घोषणा 16 दिसंबर को होनी है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि होनी थी इसको लेकर ही। बता दें आपको कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के लिए नगर निगम के सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ऋतिक पाठक ने कहा कि विद्यार्थी परिषद और छात्रों ने जिन उम्मीदों के साथ उन पर भरोसा जताया है उस भरोसे पर वो शत प्रतिशत खरा उतरने का प्रयास करेंगे। छात्रों की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी उसके लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने दावा किया है कि विद्यार्थी परिषद के फेवर छात्र संघ चुनाव की जो बयार है वो बहती हुई उन्हें दिखाई दे रही है। उपाध्यक्ष और पद के लिए प्रत्याशी केशव बोरवाल ने कहा है कि प्रचार प्रसार के लिए अब केवल उनके पास 8 दिन बचे हैं। उन्होंने छात्रों से विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाने के लिए प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ने की अपील की है। गौरव का दिन है, आपको याद होगा कि 1971 के अंदर में पाकिस्तान की लड़ाई के बाद में जो इंडो पाक वॉर 1971 था, किस प्रकार से पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे और जो मिलिट्री डिसिसिव और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री को रूप दिया था। पूरी दुनिया नहीं भूलेगी कि उस दिन में, उस वक्त के अंदर में भारत के वीर जवानों ने अपने साहस, शौर्य और बलिदान की क्या परिचय दिया। महज 13 दिन के अंदर में पूरे लड़ाई को ख़त्म किया। आप देख रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई ऑन है और कब से, फरवरी से ऑन है, लेकिन उस वक्त में सिर्फ 13 दिन के अंदर में उस मिलिट्री विक्ट्री को। सबसे पहले तो मैं संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया है और मुझे ये दायित्व दिया है कि मैं स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान करूं और मैं जो ये विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है मैं उस पर हमेशा खड़ा रहूंगा और निष्ठावान तरीके से जो भी संगठन मुझसे कहेगी उसका निर्वहन करूँगा। 24 तारीख को होने वाले छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने ऋषिकेश परिसर के अपने क्या बोलते हैं टिकटों की घोषणा करी है जिसमें कि अध्यक्ष पद पर हमने ऋतिक पाठक का नाम चयन किया है और उपाध्यक्ष पद पे केशव पोरवाल का नाम चयन किया है। अन्य टिकटों की घोषणा उसमें चिंतन मंथन चल रहा है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हम सर्वसहमति से डिसाइड करेंगे उसमें किसको है क्या करना है। आज सभी अपने विचारधारा के नाते जितने भी परिवार हैं एबीवीपी से मिलते जुलते आज उनको हमने सबको बुलाया और अपने पैनल की पूरी घोषणा करी तथा यथावत रूप से जो कि हमारा हमेशा से चलता रहा है कि विद्यार्थी परिषद जिस तरीके से चुनाव लड़ती आई है एक कार्यक्रम के रूप में विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव को मानती है, हम संगठन को मजबूती पूरी प्रदान। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए संजय शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि जो ये छात्र हैं उनके नाम की घोषणा हो गई है छात्र संघ चुनाव को लेकर, इसमें अभी क्या अपडेट सामने आई है? कोरोना काल के बाद पहली बार ऋषिकेश में जो परिषद के चुनाव हो रहे हैं और छात्र संघ के चुनाव होने के साथ साथ ये श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय अभी में जब से ये कैंपस बना उसका पहला चुनाव है और इसमें एबीवीपी ने अपने प्रत्याशियों को जो है जो उनके नाम घोषित करे उसमें जो अध्यक्ष पद के लिए ऋतिक पाठक और उपाध्यक्ष पद के लिए केशव पोरवाल, तो ऐसे में जो है एबीवीपी लगातार सत्ता में बनी हुई है तो इस भाजपा की विंग है तो वो अपने तरीके से अपने जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी पैनल खड़ा करके और अपनी कन्वेंसी करना है क्योंकि 24 तारीख डेडलाइन है और 8 दिन बचे और 8-9 दिन के अंदर जो है उनको कन्वेंसिंग भी करनी है और सब कुछ करना है, ऐसे में जो है वो लगातार अपनी कोशिशें करने में लगी है और आज भी उन्होंने अभी एक शक्ति प्रदर्शन किया है जिसकी अपडेट शायद थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से एबीवीपी लगातार तेजी से बढ़ रही है उससे लगता है कि वो जागरूक है और इस पहली बार होने वाले जिस चुनाव को जब से श्रीदेव सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर छात्र संघ चुनाव में अब ऋतिक का नाम भी सामने आ गया है।
श्रीनगर से पौड़ी की ओर जा रही एक स्कूटी धोब त्रिकोट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और सूचना मिलने पर क्षेत्र अधिकारी सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा और प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार पुलिस टीम के साथ राहत बचाव उपकरण के साथ फायर सर्विस सहित ही मौके पर वहां पर रवाना हुए और सीओ सदर ने बताया है कि मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों की सहायता से स्कूटी पे सवार दोनों घायल युवकों को बाहर निकाला गया और बताया जा रहा है कि दुर्घटना में घायल 19 वर्षीय युवक ऋषभ और 20 वर्षीय युवक चिराग को उपचार के लिए श्रीनगर अस्पताल भेजा गया है। उपचार के बाद दोनों को उनके घर भेज दिया गया है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पता चला है कि स्कूटी सवार युवक श्रीनगर से पौड़ी आ रहे थे जो श्रोब त्रिकोट के पास एक अन्य वाहन को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर खाई में जा गिरी। 12/2022 को समय लगभग 7:30 बजे किसी कॉलर द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि श्रीनगर वाली रोड पे डोब सिरकोट के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अंधेरे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है, जिस पर हमारी पुलिस फोर्स तुरंत जो है रेस्क्यू का सामान लेकर मौके पर पहुंचे और वहां पर ग्रामीणों की सहायता से दो लड़के जो श्रीनगर से आए थे स्कूटी से, ये नीचे गिरे हुए थे, उनको जो है उठाकर ऊपर रोड पर लाए और इनको श्रीनगर हॉस्पिटल भेजा गया। तो फिर न्यूज वर्ल्ड इंडिया के एडिटर इन चीफ मारूफ रजा की खास बातचीत देखिए बीजेपी सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी से, आज धमाकेदार इंटरव्यू है रात को 8 बजे। पहली बात तो आपको मुबारक, गुजरात में जो भव्य जीत हुई, और शुक्रिया आपका, 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे, ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा, और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है। उत्तराखंड बीजेपी की जिला सत्रीय कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और जिसमें चमोली बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश मेखुरी ने अपनी जिला सत्रीय कार्यकारिणी में थराली से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता राकेश जोशी को जिला महामंत्री बनाया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला महामंत्री राकेश जोशी का बीजेपी मंडल कार्यालय में फूल मालाओं से स्वागत किया और वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थराली को जिला कार्यकारिणी में स्थान मिलने पर खुशी जताई है। वहीं नवनियुक्त जिला महामंत्री राकेश जोशी ने नई जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत प्रदेश बीजेपी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि इस नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और जिले में बीजेपी को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय परिषद अध्यक्ष जी का, माननीय जिला अध्यक्ष जी का और अपने वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद देता हूं और अपने शुभचिंतकों का धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी दी है और मैं जिम्मेदारी का पूर्व की भांति बिल्कुल बहुत ईमानदारी से और बहुत ही कहना चाहूंगा कि बहुत ही घनिष्ठता से इसका निर्वहन करूंगा। खबर पर हमारे साथ चमोली से हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, राकेश जोशी का बीजेपी मंडल कार्यालय में स्वागत हुआ है। बिल्कुल, देखिए सुमन, भारतीय जनता पार्टी ने जो चमोली की जो कार्यकारिणी है उसकी जो है यहाँ पे जो है नए कार्यकारिणी का गठन यहाँ पे हो चुका है और भाजपा के जो अध्यक्ष हैं रमेश मैखुरी जी हैं, इन्होंने जो है 9 के 9 ब्लॉकों में जो है कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। चाहे आप थराली ब्लॉक की बात कर लीजिए या आप घाट ब्लॉक की बात कर लीजिए या चमोली की बात कर लीजिए या ससोली की बात कर लीजिए या पोखरी की बात कर लीजिए, तो सभी का जो है यहाँ पे कार्य, यहाँ पे जो है संगठन का जो जिला संगठन
की जो कार्यकारिणी होती है उसका यहाँ पर गठन कर दिया गया और जिम्मेदारी भी दे दी गई, क्योंकि अब 2024 का जो चुनाव आना है उसको लेकर जो है भाजपा जो है हमेशा सही फ्रंट फुट पे रही है चुनाव को लेकर। तो जनता चमोली की अगर बात करी जाए तो जनता चमोली में पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि दो सीटें जो है भाजपा को मिली है और एक कांग्रेस को मिली है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो नए चेहरे इस समय जो है जनपद चमोली में काम करेंगे उनका एक ही लक्ष्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जो है यहाँ पे जो है सहयोग करेंगे, सहयोग के साथ साथ जो है जो चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो या तमाम सारे लोग हों तो सहयोग भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेंगे। और उसी प्रकार जो है कि जनपद चमोली की 9 के 9 ब्लॉकों में जो है कल बैठक हुई, उसके बाद जो है जिला कार्यकारिणी का गठन जो है भाजपा ने कर दिया है। सुमन जी पुष्कर आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां आज शहरी विकास विभाग के तत्वाधान में नगरपालिका सभागार गोपेश्वर में जनपद सत्रीय प्लास्टिक और ठोस उपस्थित प्रबंध विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया और जिसमें जिले के समस्त नगरपालिका नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों सहित तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया और जनपद सत्रीय गोष्ठी का शुभारम्भ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्प पासवान ने किया। बैठक में पालिकाओं की तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई और कोड़े निस्तारण के सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ये आज हमारे जिला स्तरीय सिंगल यूज प्लास्टिक ठोस अवशिष्ट पर बैठक गोष्ठी का आयोजन किया गया, इसमें समस्त नगर पालिकाओं के अध्यक्षगण और अधिशासी अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों से आई हुई महिला बहनें और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हमें निदेशालय से जो मार्गदर्शन मिला, गोपेश्वर अन्य जितनी भी पालिकाएं हैं उनमें हमें अपने कूड़ा निस्तारण के लिए कौन सी नीति बना रखी है उस विषय पर चर्चा हुई, उस विषय पर बात हुई। और हमारे गोपेश्वर नगर में जैसे हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया है, हमें निदेशालय स्तर से जो है जो रिट पिटीशन फाइल हुई है जितेंद्र यादव बनाम भारत संघ, जिसमें कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सिंगल आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो नोटिस था उसके बारे में कहा जाता है इनका पालिकाओं द्वारा उत्तराखंड में इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में 5 दिसंबर 2022 को राज्य स्तर की गोष्ठी आयोजित की गई थी और उसी के अनुपालन में फिर जिला स्तर की गोष्ठियाँ की जा रही हैं लगातार। अभी हम लगभग सारे ही जिलों में करते आ रहे हैं, हम आज गोपेश्वर में इसी संबंध में गोपेश्वर जिले के जितने भी स्थानीय निकाय थे सभी गोष्ठी आयोजित की गई थी। बने हुए पुष्कर सिंह नेगी। तो पुष्कर जिस तरह से खबर सामने आई है बैठक में पालिकाओं की तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई है। बिल्कुल देखिए सुमन, नगर पालिका गोपेश्वर में कल गोष्ठी का यहाँ पे आयोजन किया गया, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के जो यहाँ पे शहरी विकास मंत्री की जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर गोपेश्वर में पहुंचे हुए थे, क्योंकि प्लास्टिक को लेकर जिस तरह से नगर पालिकाओं में हमेशा से शिकायत रही है कि प्लास्टिक का निराकरण नहीं हो पाता, प्लास्टिक को कम यूज करें या कूड़ा निस्तारण की जो नीति है उसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो जनपद चमोली की अगर बात कर जाए सुमन, तो जनपद चमोली के प्रत्येक चाहे आप जोशीमठ नगर पालिका की बात कर लीजिए या ननप्रया की बात कर लीजिए या जोशीमठ से लेकर आपका जो है आपका नारायणबगड़ हो गया या आपका गैरसैंड हो गया या आपका जो है पोखरी हो गया, तो तमाम सारे अधिशासी अभियंता जो यहाँ पे बैठे यहाँ पे पहुंचे हुए थे और गोष्ठी का यहाँ पे आयोजन किया गया। हालांकि जनपद चमोली का जो मुख्यालय है गोपेश्वर है, यहाँ पे की प्रत्येक वार्डो में जो है वार्ड मेंबर भी यहाँ पे बुलाए गए थे, क्योंकि कूड़ा निस्तारण को लेकर जो है नगर पालिका, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और उत्तराखंड सरकार जो है लगातार इस पे काम भी कर रही है, तो प्लास्टिक को लेकर और कूड़ा निस्तारण को लेकर यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन भी किया गया और विचार भी किया गया। हाँ, हालांकि जिस तरह से बाजारों में जिस तरह से प्लास्टिक मिलता है या प्लास्टिक गायें खा जाती हैं और जो हमारे मवेशियां होती हैं इनको खा जाती है, इसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा परिचर्चा की गई और एक उत्तराखंड को स्वच्छ
बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश जो है उत्तराखंड सरकार की कर रही है, और जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर पंचायत है, हर जगह आगे रहती है। उसी पक्ष में कल यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन किया गया, उसमें सारे विभिन्न सारे चमोली के नौ के नौ ब्लॉकों से जितनी भी हमारी ग्राम सभाएं हैं या ग्राम पंचायतें हैं या आपके जो है नगर पालिकाएं हैं या नगर पंचायतें हैं, सबके लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो गोष्ठी का आयोजन किया गया और गोष्ठी में विचार विमर्श यहाँ पे कूड़ा निस्तारण को लेकर किया गया। बिल्कुल पुष्कर, ये भी कहा जा रहा है कि जो कूड़े के निस्तारण के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, कैसे निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल देखिए सुमन, आपने सही कहा कि कूड़ा निस्तारण के लिए यहाँ पे जो है नगर पालिका की बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, इनका किस तरह से निस्तारण हो, या कूड़ा दो प्रकार के कूड़े किस तरह से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा के बारे में यहाँ पे कहा गया है, कूड़े को कहाँ पे फेंकना है, नदी में नहीं फेंकना, तमाम सारे अभियान जो चलाए जाते हैं उसका भी यहाँ पे नगर पालिकाओं के जो मेंबर हैं या नगर पालिकाओं के जो अधिकारी हैं या जो यहाँ पे अध्यक्ष है, इनको यहाँ पे जो ट्रेनर यहाँ पे आए थे सती जो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा जो निस्तारण कूड़ा निस्तारण गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को लेकर कूड़े को लेकर जरूर यहाँ पे जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कहा गया है कि दो डस्टबिनों का प्रयोग जो है पूरी नगर पालिकाएं हो, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, यहाँ पे दो बुलेट कूड़े को लेकर जो है यहाँ पे सूखे तो किस तरह से रखा जाए और आपका जो प्लास्टिक वाला है या गीला वाला कूड़ा है तो किस तरह से यहाँ पे रखा जाए, इसका भी यहाँ पे विस्तार से जो है चर्चा परिचर्चा यहाँ पे की गई। हालांकि अब आने वाला समय बताएगा सुमन कि जिस तरह से गोष्ठी हुई है या जिस तरह से नगर पालिकाओं के साथ कूड़ा निस्तारण के लिए जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए वो कितना सक्सेस होता है, कितना काम इसमें नगर पालिकाएं करती है, नगर पंचायतें करती है, तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन गोष्ठी का आयोजन जो है सफाई अभियान के तहत जो है लगातार जो है विभिन्न जिलों में, आज तो उनका कार्यक्रम जो है रुद्रप्रयाग में है, उसके बाद जो है वो पौड़ी जाएंगे, तो तमाम सारे कार्यक्रम जो है चलाए जा रहे हैं। लेकिन जब कूड़ा निस्तारण की आपने बात करी तो कूड़ा निस्तारण को लेकर जो है नगर पालिकाएं हमेशा से फ्रंट में रहती है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह कूड़ा निस्तारण का जो कार्य है इस पर कितना काम हो सकता है, ये आने वाला समय में पता चलेगा सुमन। बिल्कुल पुष्कर, आने वाले समय में बिल्कुल पता चल जाएगा कि कूड़े का आखिरकार किस तरह से समाधान किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। पहली बात तो आपको मुबारक, गुजरात में जो भव्य जीत हुई, बहुत शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। तो एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे, ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा, और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है,